कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है, जिसे हिंदू मुस्लिम सभी मनाते हैं और सभी धर्मों के लोग इसे अपना महसूस करते हैं। उसी गणतंत्र दिवस की बात कर रहे हैं हम, और पूरे देश में इस वक्त इसी तरह का माहौल है। पूरे देश की भांति ही तमिलनाडु में भी भव्य गणतंत्र दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी स्कूल सभी संस्थाओं में कार्यक्रम किया गया। इसी के तहत वानियम्बड़ी इस्लामिया बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में भी कार्यक्रम किया गया, झंडा वंदन किया गया। तो आपको बता दें, इस दौरान जहां स्कूल के सभी बच्चे मौजूद रहे और वहां का स्टाफ भी मौजूद था, प्रिंसिपल मौजूद थे, भव्य फ्लैग होस्टिंग की गई। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शहर के जाने माने लोग पहुंचे थे। तो इस खास कार्यक्रम में के हबीबुर रहमान जो कि हेडमास्टर हैं, इसके अलावा ज्ञानी अजहर साहब, आदिल रईस और जो कि फिजिकल डायरेक्टर हैं, अकील अहमद एनसीसी मास्टर ऑफ इस्लामिया बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के मौजूद रहे। इस दौरान वेलकम स्पीच दी गई सैयद रिजवान द्वारा और थैंक्स स्पीच दी गई डॉक्टर राजा हुसैन द्वारा। तो एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन तमिलनाडु के वानियम्बड़ी में इस्लामिया बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में हुआ गणतंत्र दिवस के खास मौके पर।